living in a crowded dream, searching for the quiet that you need to breathe. Gave up on your sanity to hide behind your shadow while you tried to take the sun down. Hearts don't ever change to gold after thinking that you're in the world alone. No one ever told you that you have to fight for something, or you'll never learn to balance. तो ये मैंने दूध धो कर रखा हुआ है और आलू बॉईल कर लिए हैं। नाश्ते में आलू के पराठे बना रही हूँ, तो इन्हीं को ठंडा करके इनको मैं छील लूँगी। अब ये सारे आलू मेरे छिल गए हैं, अब मैं इनको ग्रेट कर रही हूँ, ठंडे हो गए हैं तो इनको। आलू के पराठे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, अन्ना वरवी को तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। संडे है आज, तो थोड़ा लेट उठने में हो गया, तो इसलिए आज ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे बनाऊंगी, तो कोई टेंशन नहीं रहेगी क्योंकि हैवी होते हैं। तो लंच में मैं फिर कुछ नहीं बनाऊंगी, यही ये लोग खाएंगे। ये मैंने दूध अपना बॉयल करने के लिए रखा हुआ और आलू भी मैश हो गए हैं सारे मेरे। ये मैंने 2 लीटर दूध गर्म होने के लिए रखा है, इसकी मैं मैंगो आइसक्रीम और कुल्फ़ी बनाऊंगी। अभी को बहुत दिन से बोल रहा था मुझे, एक्चुअली मैंने बीच में कुल्फ़ी बनाई थी तो वो इन लोगों को बहुत पसंद आती है मिल्क से, बिना मैं कुछ ऐड नहीं करती हूँ। बॉईल होने के बाद मैं इसको सिम कर देती हूँ, और किचन में काम हो रहता है तो साथ के साथ मेरा ये भी अच्छे से पक जाता है। इसको मैं स्लो कर दूँगी, स्लो फ्लेम पर ये पकता रहेगा तो कुल्फ़ी का बैटर तैयार हो जाएगा। साथ साथ आज मैं इसके इनके लिए दोनों बच्चों की डिमांड पर मैं आज कुल्फी मैंगो वाली आइसक्रीम भी बना रही हूँ। जो बाकी का मेरा 2 लीटर दूध बच गया था उसको मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी, वो भी साथ ही बॉईल हो जाएगा। ये मिल्क भी अच्छे से देखिए बॉईल होके गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब ये मैं अमित के लिए लस्सी बना रही हूँ, उनको ब्रेकफास्ट से पहले आज लस्सी पीने का मन है। तो मैंने 1 कप दही में 1 टेबल स्पून मैंने बूरा ऐड किया और उसको अच्छे से फेंट दूँगी। और ये देखिए दही की लस्सी कितनी अच्छे से बनकर तैयार हुई है, ये बहुत ही टेस्टी लगती है, मेरी भी फेवरेट है। आज मैंने अपने लिए नहीं बनाई, सिर्फ अमित के लिए बनाई है। साथ में मैं इस मिल्क को भी मिक्स करती रहूँगी ताकि ये नीचे ना लगे। इस पर जो मलाई आ रही है बार बार मैं उसको साइड कर देती हूँ, बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होगा ये सारा। गाढ़ा जब हो जाएगा और इसकी जब मैं आइसक्रीम जमाऊँगी और बच्चे खाएंगे तो वो बहुत ही अच्छे बनेगी। 20 मिनट्स हो गए हैं, अब मैं इसमें ये 1 कप शुगर ऐड कर रही हूँ। आप थोड़ी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, हम थोड़ा मीठा कम पसंद करते हैं, तो इसीलिए अमित और बच्चे तो खाते हैं लेकिन अमित को कम पसंद है, तो इसीलिए मैं थोड़ा कम डालती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग मीठा ऐड कर लीजिएगा। इसमें चीनी डालने के बाद देखिए हमें अभी से चलाते रहना है, एक अच्छे से एक उबाल ला के इसको पका कर बंद करूँगी। देखिए मैंने गैस तेज कर दी है ताकि इसमें जल्दी से बॉईल आ जाए, पक जाए, और मैं फिर इसकी फ्लेम बंद कर दूंगी। बस इतना ही इसको पकाना है, अब मैं ये फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। अब इसको हम ढक कर रख देंगे छन्नी से ताकि ये ठंडा हो जाए और फिर मैं इसकी आगे की प्रोसेस कर सके। अब यहाँ मैं आलू का पराठा बनाना शुरू कर रही हूँ। मैंने मिर्ची, हम थोड़ा तीखा खाते हैं तो मैंने 7 से 8 मिर्ची को ग्राइंड करके डाला है, और ये 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और सॉल्ट और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। देखिए आलू की पिट्ठी मेरी तैयार हो गई है,
अब साथ साथ में चाय भी चढ़ा दी है मैंने, चाय भी बनकर तैयार होगी और एक तरफ मैं पराठे बनाती रहूँगी, पहले बच्चों को दे दूँगी और उसके बाद हम लोग बना के अपने लिए खाएंगे। आटा बना के मैंने रख दिया था, चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू का पराठा। मैंगो कुल्फी बनाने के लिए मैंने ये एक बड़े साइज वाला मैंगो है जो लिया है, उसका मैं पेस्ट बना रही हूँ। मिल्क कुल्फी बनाने के लिए ये वाले मोल्ड मैं यूज़ कर रही हूँ और इसमें मिल्क डाब फिल करके तीनों में उसको ऊपर से बंद कर दूँगी। मलाई को साइड में करके जो इसका मिल्क गाढ़ा है पहले वो फिल करना है, जब पूरा फिल हो जाएगा तो उसके बाद इसमें जो साइड से मलाई है उसको ऐड करेंगे ऊपर से। तीनों मोल्ड मैंने भरकर तैयार कर दिए हैं। अब मैं दो ये मफिन के लिए या फिर मैंने कपकेक के लिए मोल्ड लिए हुए हैं तो दो ये भी मैं फिल कर दूंगी इसमें। 2 लीटर मिल्क से ही घर में काफ़ी सारी आइसक्रीम बन जाती है। मैंगो आइसक्रीम भी इसी से बनाऊंगी मैं, हाफ इसमें यूज़ करूंगी और हाफ में मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए इसको यूज़ करूंगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी मम्मी जो है वो बनाती थी आइसक्रीम मेरे लिए गाँव में, जब पहले हम लोग दूध को रखते थे तो गाढ़ा करके मम्मी क्या करती थी हमारे लिए, उसमें उसको पूरा अच्छे से गाढ़ा करके उसमें चीनी वगैरह सब ऐड करके फ्रिज में रख देती थी, वो बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम लगती थी। तो मिल्क की जो कुल्फ़ी होती है वो मैं बिना उसके ही बनाती हूँ हमेशा, बिना मिल्क पाउडर के, क्योंकि ये गाढ़ा दूध ही होता है, वो तो ड्राई होता है। अब मैं ये जो बच गया है उससे मैं मैंगो कुल्फ़ी बनाऊँगी।
ये फैब का मैंगो एसेंस लिया है मैंने, अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, मैं एक ड्रॉप डाल रही हूँ इसमें। ये मैंगो कलर लिया है मैंने, आपके पास है तो ठीक है आप ऐड करिए, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास था तो मैं ऐड कर रही हूँ, दो ड्रॉप में इसकी ये मैंगो कलर की ऐड करूँगी, सॉरी येलो कलर। अब ये बाकी का जो बचा हुआ मिल्क है वो इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से ग्राइंड करना है, जैसे मैंगो शेक बनाते हैं उसी तरह से 2 मिनट पूरा करिएगा तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए इसका ऐसा टेक्सचर होना चाहिए मिक्स करने के बाद। अब इसमें ये देखिए, अब इसमें मैं टूटी फ्रूटी ऐड करूँगी, अगर आपके पास है, मुझे अच्छी लगती है, बच्चे भी खाते हैं तो मैं ऐड कर रही हूँ, अगर आप लोग नहीं खाते हैं तो आप मत ऐड करिए, अपनी ये ऑप्शनल है, आपको ऐड पसंद है तो ऐड करिए नहीं तो नहीं। इसको मैं मिक्स कर दूँगी अच्छे से। इसको डालने के बाद तो 2-3 बार टैप कर लेंगे, जो भी इसमें बबल्स एयर बबल्स बने हुए हैं वो निकल जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल तैयार है, मैं इनको कवर करूँगी फॉइल रैप से, अगर आपके पास फॉइल एल्युमिनियम फॉइल है तो आप उससे कर दीजिए, क्लिंग रैप है उससे कर दीजिए, मैं एल्युमिनियम फॉइल से इनको कवर कर दूँगी अच्छे से और फिर मैं इनको फ्रीजर में रखूँगी। आइसक्रीम कैसी बनी है अब ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी, तो चल तब तक के लिए बाय बाय।